everyone, welcome to Web Visit. I'm Hansika Singh. I'm a veterinary student, and two updates about my life. First of all, first one is that my exams are starting from next week, so I won't be able to post March, but I thought we'll do a question and answer type of a video in which you can ask me questions and I will be replying to that on the video, because most of you have similar type of questions. So instead of me replying to you individually, I can make a video on that. And the second one is that yes, hostel day is being celebrated today in my college, and right now I'm at the terrace of my college. So yes, at the end of the video I'll show you the clips of the video. Now let's sit down and talk about today's topic, that is why veterinary. Now ye topic pehli baat main hindi mein karne wali hu taki isse zyada se zyada log connect ho sake. दूसरी बात, ये टॉपिक मैं बहुत ज़्यादा टाइम से बात करना चाहती थी इसके बारे में, एवर सिंस आई स्टार्टेड दिस चैनल, बट अब मैंने सोचा कि अब मैं इसको और डिले नहीं करूँगी और आज मैं इसके बारे में बात करने वाली हूँ. अब बात कर लेते हैं कि वाई वेटनरी. अब दो तरीके के डॉक्टर्स होते हैं, एक ह्यूमन डॉक्टर्स MBBS डॉक्टर्स जो कि ह्यूमन्स को ट्रीट करते हैं, और वेटनेरियंस जो कि एनिमल्स को ट्रीट करते हैं. ह्यूमन्स और एनिमल्स दोनों को ही पेन महसूस होता है, घबराहट होती है, सारे तरीके के इमोशंस होते हैं. अब हम किसी मेडिकल एस्पायरेंट से पूछें कि वो क्या बनना चाहता है, तो पहली बात तो वो बोलेगा कि MBBS, फिर मे बी डेंटल या आयुर्वेदा, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, एंड उसके बाद आता है वेटनरी. तो जब लाखों एस्पायरेंट्स कम्पीट कर रहे हैं कुछ हज़ारों सीट्स के लिए, एंड वो विलिंगनेस शो कर रहे हैं ह्यूमंस को ट्रीट करने के लिए, तो जब एनिमल्स को ट्रीट करने की बारी आती है तब हमारी वो विलिंगनेस कहाँ चली जाती है? बिकॉज एनिमल्स की स्ट्रिक्ट राइट नहीं है इंडिया में, और एनिमल्स बोल नहीं सकते हैं. इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रीटमेंट डिजर्व नहीं करते हैं या फिर वो एक हेल्दी लाइफ नहीं डिजर्व करते हैं. अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इंडियन सोसाइटी को लेके, एंड मैं बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट होंगी अपने एक्सपीरियंसेस को लेके. तो पहली बात तो इंडिया में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है कि एक वेटनेरियन होता क्या है. उन्हें पता है कि एनिमल्स डॉक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं, बट उन्हें मे बी उनका नाम नहीं पता. और दूसरी बात, कुछ इस तरीके के लोग भी होते हैं जिनको पता होता है कि वेटनेरियन होता क्या है, बट जब आप अपने आपको इंट्रोड्यूस करते हो कि मैं एक वेटनेरियन हूँ या वेटनेरी की पढ़ाई कर रही हूँ, तो उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है कि अच्छा, गधों की पढ़ाई कर रहे हो या डॉगीज की पढ़ाई कर रहे हो, और वो चीज़ें हिंदी में बोलते हैं जो कि सुनने में अच्छा भी नहीं लगता है. तो पहली बात तो मैं उनको ये बोलूँगी कि वो लोग ना ही सिर्फ इनसेंसिटिव होते हैं बट ऑल्सो थोड़े से डम होते हैं. क्यों? क्योंकि जब पता है कि वेटनेरियन एनिमल डॉक्टर है और एनिमल्स में कितने सारे एनिमल्स आते हैं, तो वो उन सब में से सिर्फ कुछ ही सिलेक्टिव गधे या डॉगीज को सिलेक्ट करते हैं. आई थिंक ये ब्यूटी है वेटनेरियंस की या वेटनेरी साइंस की, कि हम छोटे से बड़े, हर साइज के, हर फॉर्म के, हर कलर के, डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के हम एनिमल्स को ट्रीट करते हैं, ना ही सिर्फ एक स्पीशीज़ के बट सो मेनी स्पीशीज़. तो मैं सारे वेटनेरियंस को और सारे फ्यूचर वेटनेरियंस को, एस्पायरिंग वेट्स को ये बोलना चाहूँगी दैट यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, दैट आप एक ऐसे नोबल प्रोफेशन में हो जहाँ पे आप एक डम्ब एनिमल को ट्रीट कर रहे हो जो कि बोल नहीं सकता, उसको पेन हो रहा है लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि एग्जैक्टली कहाँ पेन हो रहा है, कितने टाइम से हो रहा है, कैसा फील कर रहा है. एंड कभी कभार तो जो एक एनिमल होता है उसका ओनर भी नहीं होता, तो हमको खुद ही डायग्नोज करना पड़ता है कि क्या डिजीज़ है और क्या ट्रीटमेंट करना है. तो जो सेटिस्फैक्शन हमको मिलती है एक एनिमल को ट्रीट करके, और फिर जो हम देखते हैं कि वो एकदम ठीक हो गया है, इज बैक टू हेल्दी लाइफ, बिकॉज किसको हेल्दी लाइफ जीना अच्छा नहीं लगता. तो आई थिंक वो सेटिस्फैक्शन जो मिलता है ना, वो हमें एक पर्पस देता है लाइफ का, लाइफ को जीने के लिए. एंड अगर वो पर्पस मिल गया, अगर आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है, तो आई थिंक इसके आगे कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है कि वाई टू चूज वेटनरी. और अगर आपके माइंड में और भी क्वेश्चंस हैं जैसे जॉब्स को लेके, देन जॉब एवेन्यूज बहुत है वेटनरी फील्ड में, एंड मैं उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जो कि मैं नीचे लिंक कर दूंगी आप, ताकि आप उसको देख सके. और अगर आप सैलरी या पैसे को लेके क्वेश्चन पूछें कि पैसा कितना है वेटनरी में, देन लेट मी टेल यू, ट्रस्ट मी, वेटनरी में भी बहुत पैसा है, बट जिस दैट मैं इस पर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि आई थिंक वेटनेरियन की फर्स्ट ड्यूटी ये है कि वो अच्छा वेटनेरियन हो और वो अपने एनिमल्स को अच्छे से ट्रीट कर पाए.
Today's video. I hope you guys liked it and give it a thumbs up if you did. If you haven't subscribed to Vet Visit, then yes, please do for more such veterinary related videos. I'll see you in my next video. Till then, take care of yourselves and keep loving animals like you always do. Ta-da!